हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लेके आया हूँ XUV500, जिसका है ये चीता इंस्पायर्ड ग्रिल और इसके साथ मिलती है डेड लाइट LED लैंप्स। चलो आप देख सकते हो इसके खास फीचर्स। अब मैं इसके अंदर की इंटीरियर की बात करता हूँ, जहाँ आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स, लाइटिंग वगैरह देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी ये ग्लॉसी वगैरह इफेक्ट मिलते हैं आपको इसमें। आपको वुड टच भी मिलता है सामने की तरफ से, और प्लास्टिक मटेरियल तो ऐसे ही है ही है। साथ में मिलता है आपको 7 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले, नेविगेशन, एप्पल कार प्ले जो आपको मिलती है XUV500 में। और भी कई खास फीचर है इसके, और इसमें आपको मिलता है 2.2 का डीजल इंजन जो देता है आपको 120 BHP की पावर। और ये 4x4 मॉडल में भी अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव। इसे 4x4 तो नहीं कह सकते। और इसके मैं स्टोरेज स्पेस की भी बात करता हूँ, जहाँ पर नीचे यहाँ कूलिंग वाला दे रखा है स्टोरेज, यहाँ एसी वेंट्स दे रखे हैं जिससे कूल होता है। ऊपर आपको एक छोटा सा हॉल मिलता है जहाँ आप कुछ आप रख सकते हैं, और ऊपर ये आर्मरेस्ट जिसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके जो सीट है वो भी 6-way एडजस्टेबल है, इसे आप अपनी सीट को थाई सपोर्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको जहाँ कवि ओस मिलते हैं, एक तो ऊपर बूट मिलते हैं, एक साइड में मिलता है, और इसके एक जस्ट नीचे भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज दे रखी है, और इसमें एक लाइट का फीचर्स भी है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, अंदर रात के अंदर में आपको इजी होता है देखने में। तो ये तो इसकी होगी स्टोरेज की बात। और आपको ऊपर जो लाइट्स मिलती है वो टच एंड लाइट है, मतलब आप उनको टच करो ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर एक छोटा सा मीटर और मिलता है, जहाँ आप पीछे बैठे हुए यात्रियों और कार वगैरह का देख सकते हो। फिर आपको मिलता है ग्लास होल्डर, जहाँ आपने ग्लास रख सकते हो। और मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खास तो नहीं देखा, बस नॉर्मल दे रखा है, कोई मिरर वगैरह नहीं है इसके पास में। तो इसके जलों में स्पीडोमीटर की बात कर देता हूँ कि आपको स्पीडोमीटर कैसे मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। स्पीडोमीटर भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको 200 की स्पीड तक इसे ले जा सकते हैं, वैसे वो दे रखा है, आप चलते नहीं। और पीछे यहाँ बात करें कि कुछ सामान पड़ रखा है, ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर भी आपको नीचे स्टोरेज मिलती है, सीट भी काफ़ी अच्छी है, 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी मैंने ये थोड़ी लाइटिंग चेंज करके बताई, जिसमें आपको ये पीछे भी लाइटिंग मिलती है। हर डोर पर आपको लाइट्स तो ज़रूर मिलेगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस रेंज में बाकी कारों में ये लाइटिंग इफेक्ट इतना नहीं मिलता है। और अगर आपके वहाँ नीचे देखोगे तो XUV500 का लोबो मिलता है, वो हर डोर के ऊपर आपको ये लोबो ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर रेड कलर की लाइट्स वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है। और आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे XUV से, तो XUV से काफ़ी अच्छी है, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका रिव्यू करते हुए। आशा करता हूँ आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। थोड़ी यहाँ लाइट की ज़रूर कमी थी, क्योंकि डे लाइट था। थैंक यू।